Having heart pain? Is it heart attack or heartburn? Cardiac problems या cardiovascular diseases विश्व में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है। इसके कारण भारत में हर साल 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं, जो कि दुनिया भर में cardiovascular disease के होने वाली मौतों में बहुत बड़ा हिस्सा है। नॉर्मल लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर डर तो होता है, लेकिन जरूरी अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाय, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड एज कार्डियक सेकंड ओपिनियन डॉट कॉम और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कार्डियोथोरैसिक एंड वास्कुलर सर्जरी एट पारस हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे हार्ट पेन और हार्ट बर्न पेन के बारे में। सो हार्ट अटैक का पेन और हार्ट बर्न पेन दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनके डिफरेंस को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि यदि किसी को हार्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे अर्जेंट मेडिकल केयर के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। उसे तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, खासकर अगर पेन सडन, अनएक्सप्लेन्ड या सिवियर हो। हार्ट अटैक पेन तब होता है जब हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में से कोई भी एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। हार्टबर्न उसके कंपैरिजन में एक बर्निंग टाइप का पेन है, जो कि जनरली पेट के ऊपर हिस्से में या छाती के नीचे वाले हिस्से में होता है। यह स्टमक एसिड के कारण से होता है। हार्टबर्न और हार्ट अटैक पेन सिमिलर हो सकते हैं। अगर किसी को डाउट है कि पेन हार्ट अटैक का है तो उसे तुरंत एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करना चाहिए। अगर यह हार्ट अटैक है तो आपको प्रॉम्प्टली मेडिकल केयर की जरूरत है। व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरीज में डिजीज के कारण होता है। ये ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं और हार्ट को रिक्वायर्ड एनर्जी ऑक्सीजन सप्लाई करना इनका काम है। इसी के जरिए हार्ट की मसल्स जिंदा रहती हैं। जब किसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई सडनली बंद हो जाती है तो ये कहलाता है कि हार्ट अटैक है। हम डॉक्टर्स हार्ट अटैक की इस चीज़ को या अनस्टेबल एंजाइना जैसी सीरियस प्रॉब्लम के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और ACS। इसी की कंपैरिजन में दूसरी और चीज़ें होती हैं। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। सो हार्ट अटैक के सिम्टम्स मोस्टली क्लासिक सिम्टम्स के साथ होता है, जैसे कि चेस्ट पेन, जैसे स्क्वीजिंग पेन, कोई आपको स्क्वीज कर रहा हो ऐसा दर्द, या किसी ने भार रखा हुआ हो हैवीनेस, या कोई दबा रहा हो आपकी छाती को टाइटनेस। ये तीन क्लासिकल टर्म्स कही जाती हैं टू डिस्क्राइब द चेस्ट पेन फॉर द हार्ट अटैक। ऐसा चेस्ट पेन जिसमें आपको लगे कि एक भारी वजन आपकी छाती को दबा रहा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि वो हार्ट अटैक है। ये पेन कुछ मिनट या अधिक समय तक भी रह सकता है। सभी हार्ट अटैक के सिम्टम्स सिमिलर नहीं होते हैं। अत्यधिक पसीना आना, छाती में दर्द होना, नब्स फीबल हो जाना इत्यादि अलग तरह के डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपको सेंट्रल छाती में जो सेंटर में हुआ पेन है वो चेस्ट पेन तो हो ही सकता है, पर साथ ही साथ पेन एक या दूसरे हाथ में जा सकता है, नेक में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, नेक में पीछे भी जा सकता है और बैक में भी जा सकता है। तो इस तरीके का पेन जो एक जगह शुरू होकर इधर उधर मूव करे उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो हार्ट अटैक है। सबसे कॉमन साइट छाती के साथ में लेफ्ट शोल्डर में पेन करने की होती है, दैट इज द कॉमनेस्ट। हार्ट अटैक ऑफन कम्स विथ अदर सिम्टम्स लाइक बहुत ही ज़्यादा पसीना आना और ठंड महसूस होना, सांस का फूलना, अचानक से बीमार की महसूस ही होना और साथ ही साथ में वॉमिटिंग आने की सेंसेशन होना या फिर सचमुच वॉमिटिंग आ जाना, कभी अचानक से बिल्कुल छाती के दर्द के साथ में थका हुआ सा महसूस होना या एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई है ऐसा महसूस होना भी हार्ट अटैक का ही हिस्सा होता है। कभी कभी ऐसा होने पर अगर BP कम हो जाए तो चक्कर आना या बेहोश हो जाना भी कॉमन है। ऐसे सिम्टम्स ओल्ड एज और डायबिटिक पेशेंट्स में कम होते हैं, क्योंकि उनमें सिम्टम्स कम होते हैं इसलिए इस बीमारी में जान खोने की संभावना डायबिटिक और ओल्ड एज लोगों में और ज़्यादा होती है। लेकिन इन लोगों में कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सांस फूलना। हो सकता है एक डायबिटिक मरीज को कोई भी और लक्षण नहीं आए, बस सांस फूलती हो और बाद में पता चले कि हार्ट अटैक आया था इनको जांचों में। एक और चीज होती है जो इस समय पे डिस्कस करना जरूरी है, कॉल्ड एज एंजाइना। एंजाइना इज कि हार्ट अटैक जैसा ही पेन पर जो थोड़े समय के लिए आए, टेम्पररी आए।
मतलब ये कि जो कोरोनरी आर्टरी की नसें कंप्लीट ब्लॉक होती हैं तो उसको हम अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। वही अगर पुराने समय से धीरे से थोड़ा 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 करके आर्टरीज अंदर से नैरो हो चुकी हों पर कंप्लीटली ब्लॉक ना हो, तो रेस्टिंग कंडीशन में कोई पेन नहीं होता। जैसे ही कोई एक्टिविटी की, दौड़ना किया, कोई फिजिकल स्ट्रेन हुआ या इमोशनल स्ट्रेन हुआ, दर्द आ जाता है। ऐसे पेन को एंजाइना कहा जाता है। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस से या कोई शॉकिंग न्यूज से अचानक से हार्ट अटैक आ गया, वो जो हार्ट अटैक होता है टिपिकली एंजाइना होता है और उससे कई बार अधिकतर वो दवाई गोली देने से ठीक हो जाता है। सो एंजाइना के ही मरीजों में आगे आके हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो पार्शियल ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाता है हार्ट अटैक में। इन दोनों कंडीशंस में, एंजाइना और हार्ट अटैक में, मेडिकल केयर की बहुत ज़रूरत है और उन्हें इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। एंजाइना का मोस्ट कॉमन सिम्टम, जैसा मैंने बताया, टेम्प्रेरी पेन ही होता है जो कि दवाई या रेस्ट से ठीक हो जाता है। इसे इसीलिए बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, जो कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का ही हिस्सा है, वो हार्ट अटैक की तरफ ज़्यादा है और ऐसे में हार्ट अटैक बड़ा होने का खतरा बहुत है। So, हो गई हार्ट अटैक की बात, लेट्स टॉक अबाउट हार्ट बर्न नाउ। हार्ट बर्न इज अ सिम्टम, नॉट अ डिजीज। सो आमतौर पर एसिड जो बनता है पेट में, वो पेट से निकल के अगर फूड पाइप में जाने लगे, ईसोफेगस में जाने लगे, तो उसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। और एसिड रिफ्लक्स के चलते जो ईसोफेगस की नस है उसमें पेन हो सकता है। हार्ट बर्न किसी भी तरह से हार्ट से रिलेटेड नहीं है, है छाती में, इसीलिए वर्ड हार्ट उसके साथ जुड़ा है, बट वो हार्ट का पेन है ही नहीं। हार्ट बर्न भी चेस्ट पेन की तरह ही फील होता है, इसलिए कई लोग उसे हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज करते हैं। लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, पर इसका लक्षण यूजुअली माइल्ड होता है। स्टमक अपनी लाइनिंग को डाइजेस्टिव एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन फूड पाइप में ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इसीलिए एसिड रिफ्लक्स के चलते जब फूड पाइप में डैमेज होता है, उस पेन को हार्ट बर्न बोला जाता है या रिफ्लक्स डिजीज बोला जाता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट बर्न? हार्ट बर्न फूड पाइप में बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है। बर्निंग टाइप पेन आमतौर पर स्टमक के ठीक ऊपर होता है, जो कि उसकी एक्चुअल लोकेशन भी है। एसिड रिफ्लक्स डिजीज के हार्ट बर्न के अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। ये सबसे जरूरी है कि उल्टी आने जैसा महसूस होना हार्ट अटैक में भी हो सकता है, हार्ट बर्न में भी हो सकता है, पर उसके साथ ही पेट में गैस जैसा महसूस होना, पेट फूलना, डकारें आना, ये केवल हार्ट बर्न में ही होगा। डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स ऑफ हार्ट बर्न एंड हार्ट अटैक कभी कभी जानना मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए हार्ट अटैक या हार्ट बर्न के लिए डॉक्टर के लिए भी ऐसे सिम्टम्स को पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बगैर जांचों के इवन डॉक्टर्स भी कई बार ये फैसला नहीं कर पाते हैं। पर मोटे तौर पे जो डिफरेंसेस है वो अभी आज मैंने समझाए हैं आपको। द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड हार्ट बर्न सिम्टम्स आर कि खाने के बाद और लेटने पर हार्ट बर्न बढ़ जाता है, जबकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स लेटने या आराम करने से कम होते हैं। स्टमक में एसिड लेवल को डिक्रीज करने वाली जो दवाइयाँ होती है, जिन्हें हम अमूमन एंटासिड्स कहते हैं, वो हार्ट बर्न में रिलीव करेंगी बट हार्ट अटैक में बिल्कुल नहीं रिलीव करेंगी। साथ ही साथ हार्ट बर्न में ब्रेथलेसनेस, जो कि सांस फूलने की तकलीफ है अचानक से आना, वो कभी नहीं होता है। दैट्स एक्सेप्शनली रेयर सिम्टम फॉर हार्ट बर्न। हार्ट अटैक से ब्लोटिंग और बेल्चिंग नहीं होती। अगर हार्ट अटैक आया किसी को तो उल्टी आ सकती है, नौशिया हो सकता है, पर पेट फूलना और डकारे आना नहीं होता है। अब इस दुनिया में हो सब कुछ सकता है, सिम्टम सारे किसी को भी हो सकते हैं, पर ये मोटे डिफरेंसेस है दोनों में जो आपको अवेयर होना है। When to see a doctor? Now that is the million dollar question, and इसमें कोई भी डॉक्टर आपको 100% तरीके से नहीं बता सकता। सो जब भी डाउट हो, ट्रीट इट लाइक अ हार्ट अटैक, दैट इज अ डिक्टम। सो इफ यू हैव मेडिकल फैसिलिटीज अराउंड यू और आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो प्लीज आप डॉक्टर को मिलें। बट फिर भी मोटे तौर पे गाइड करने के लिए डॉक्टर को देखने तब जाएं जब जो पेन है, चेस्ट पेन जो है, वो प्रेशर जैसा या स्क्वीज करने जैसा ज़्यादा महसूस हो, और जो अगर ठीक होता भी हो तो कुछ मिनट से अधिक टाइम तक ठीक नहीं रहे और फिर से आ जाए, तो डेफिनेटली यू नीड टू सी अ डॉक्टर। जब वो पेन केवल छाती के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाने लगे, लाइक आई टोल्ड यू लेफ्ट शोल्डर सबसे कॉमन है, बैक में, जॉ में, नेक में, पेट के ऊपर के एरिया में अगर पेन जाने लगे,
डेफिनेटली चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इज मच मोर. सांस फूलना, सांस क्यों फूलती है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग अचानक से कम होती है. हार्ट की पंपिंग जैसे ही कम हुई, पानी जो है, हमारा जो खून है वो फेफड़े में भरने लगता है. क्योंकि फेफड़े में खून भर रहा है, सांस फूलने लगती है. सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. अगर छाती के दर्द के साथ सांस फूलने लगे तो हार्ट अटैक का ये बड़ा लक्षण है. पसीना आना हार्ट अटैक में होगा, हार्ट बर्न में नहीं होगा. वैसे ही बाकी लक्षण की चक्कर आ रहे हैं और बहुत ही थके हुए हैं, एनर्जी खत्म हो गई है, वो हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हैं. अगर कोई भी डाउट हो तो लापरवाही ना करें, तुरंत मेडिकल हेल्प लें. अगर आपको हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी और सवाल हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. धन्यवाद.